Hi स्टूडेंट, दिस इज मुदस्सिर रजा फ्रॉम इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास उपरी। और इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज लास्ट टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का लास्ट टॉपिक है, उसको चलिए देखते हैं। सम फ्रूट एंड देयर एडिबल पार्ट, कुछ फ्रूट और उसके खाने वाले भाग का नाम देखते हैं। फ्रूट और एडिबल पार्ट, जैसे एप्पल है तो एप्पल का कौन सा खाने वाला भाग होता है? थैलेमस। एप्पल थैलेमस से डेवलप होता है जो फॉल्स फ्रूट होता है। उसी प्रकार से टियर है, वो भी क्या है, उसका भी थैलेमस खाने वाला भाग होता है। एनोना, लीची, ये दोनों का खाने वाला भाग क्या होता है? एरिल खाने वाला भाग होता है। कोकोनट में क्या खाते हैं हम लोग? इंडोस्पर्म खाते हैं। कोकोनट में दो इंडोस्पर्म होता है, एक न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो पानी वाला भाग होता है ना, उसको न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। और व्हाइट व्हाइट किनारे पर जो होता है सफेद वाला भाग, वो सेलुलर इंडोस्पर्म होता है। तो कुल मिलाकर कोकोनट में इंडोस्पर्म को ही खाया जाता है। बीट में, मेज में, राइस में और ऑरेंज में, नहीं, बीट में, मेज में और राइस में, इन तीनों में भी क्या, इंडोस्पर्म को ही खाया जाता है। वहां पर है स्टार्ची इंडोस्पर्म। अगला देखते हैं ऑरेंज में, संतरे में क्या खाया जाता है, कौन वाला पोर्शन? जूसी प्लासेंटल हेयर खाया जाता है, ठीक है। अगला है मैंगो, मैंगो में क्या खाया जाता है? मीजोकार्प खाया जाता है। ये बता दूं स्टूडेंट, मीजोकार्प प्लेसी ग्रुप में उसको तीन लेयर में बांट दिया जाता है, पेरिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। तो हम लोग मैंगो में इसको मीजोकार्प वाला पोर्शन को ही खाते हैं। बनाना, बनाना में क्या खाते हैं? मीजोकार्प और इंडोकार्प दोनों खाते हैं बनाना में। टोमेटो में क्या खाते हैं हम लोग? पेरिकार्प एंड प्लासेंटा इसका खाया जाता है। डेट पाम खजूर में पेरिकार्प, है ना, फल भित्ति यानी पेरिकार्प खाया जाता है, सीड को उसी प्रकार से फेंक दिया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट है एपोमिक्सिस, असंग जनन किसे कहते हैं? असंग जनन क्या है? एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना निषेचन के जब सीड का निर्माण होगा तो उस प्रक्रिया को क्या करते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। ये देखे थे हम लोग कि बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, फ्रूट का निर्माण हुआ, तो उसमें सीड नहीं पाया जाता, उसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं। नेचुरल पार्थिनोकार्पी यानी प्राकृतिक रूप से पार्थिनोकार्पी किसमें पाया जाता है? बनाना में और पाइन एप्पल में, जबकि आर्टिफिशियली ऑरेंज वगैरह में, अंगूर वगैरह में, कीवी, फिग, इन सभी में आर्टिफिशियली भी पार्थिनोकार्पी इंड्यूस किया जाता है। तो एपोमिक्सिस में देखते हैं, एपोमिक्सिस में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही इसमें जब सीड का निर्माण हो जाए, वैसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहा जाता है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट में होता है ना, वैसे पादप जिसमें लैंगिक जनन होता है उसमें एपोमिक्सिस पाया जाता है। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के जब सीड का निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। ये पाया जाता है आस्टेरेसी और ग्रास वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और सीड का निर्माण होगा, फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मियोसिस नहीं होता है, जनन की वैसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन कहा जाता है ना। लेकिन सीड का निर्माण होता है तो उसको वो किसमें होता है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में होता है। तो एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या है? अलैंगिक जनन का ही रूप है,
दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो लैंगिक जनन की को क्या कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है उसका, यानी फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर रहा है ना, लेकिन सीड का भी निर्माण हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है लेकिन सीड का भी निर्माण होता है, सीड का निर्माण किसमें होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में होता है। इसीलिए एपोमिक्सिस क्या है, अलैंगिक जनन का रूप है लेकिन लैंगिक जनन का मिमिक्री करता है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है पॉली इम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। पॉली मींस मेनी, इम्ब्रियोनी, इम्ब्रियो मींस मेनी, इम्ब्रियो इम्ब्रियो भ्रूण, पॉली इम्ब्रियोनी। अक्रेंस ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड इज कॉल्ड पॉली इम्ब्रियोनी। एक ही बीज में कई भ्रूण की उपस्थिति को, कई इम्ब्रियो इम्ब्रियो की उपस्थिति को क्या कहा जाता है, पॉली इम्ब्रियोनी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग देखे थे ओव्यूल के अंदर यहां पर न्यूक्लियस का सेल होता है, ये न्यूक्लियस का सेल इनवेजिनेट करके यहां पर एंटीपोडल था, साइनर्जिड था, यहां पर डाइगोट का निर्माण होता है। तो जनरली एक इम्ब्रियो सैक में एक डाइगोट का निर्माण होगा है ना, लेकिन क्या था, न्यूक्लियस का सेल डिप्लॉयड होता है, तो ये सेल यहाँ पर अंदर इन्वेजिनेट करके इम्ब्रियो में विकसित हो जाता है और बहुत सारा इम्ब्रियो बनाता है। इसलिए इस पर फेनोमेनन को कहा किया जाता है पॉली इम्ब्रियोनी कहा जाता है। अक्रेंस ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो इन सिंगल सीड इज कॉल्ड पॉली इम्ब्रियोनी। ये किसमें पाया जाता है, मेनी सिट्रस एंड मैंगो है ना, इन सभी में पाया जाता है। एग्जाम्पल याद रखना है, इंपोर्टेंट है। अगला है मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट क्या है, वैसा प्लांट जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों एक ही प्लांट पर पाया जाता है, उसे मोनोइसियस प्लांट कहा जाता है। एग्जाम्पल है कैस्टर, कोकोनट है ना, कुकुरबिट्स, ये सभी क्या है, मोनोइसियस प्लांट का एग्जाम्पल है, यानी एक ही पादप पर क्या होगा, नर और मादा पुष्प दोनों होगा, एक ही पादप पर नर और मादा पुष्प दोनों होगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि मोनोइसियस प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी। मोनोइसियस जो है वो ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया को रोकता है और गिटोनोगैमी जो है उसको नहीं रोकता। कैसे, देखिए ये है नर स्टेमन एंथर है और ये स्टिग्मा है, दोनों अलग अलग फ्लावर है लेकिन एक ही प्लांट पर है। तो सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग किसे कहते हैं, जब एक ही फ्लावर के बीच एंथर से स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन डस्ट करता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये नर पुष्प है, ये मादा पुष्प है, तो ये हुई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पॉलिनेशन होगा तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा है ना, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और चूंकि प्लांट एक ही है, उसी का दोनों फ्लावर है, जेनेटिकली दोनों सेम होगा, जेनेटिकली क्या होगा, सेम होगा, उसी को तो गिटोनोगैमी कहा जाता है। तो मोनोइसियस में क्या होता है, ऑटोगैमी नहीं होता है लेकिन गिटोनोगैमी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है डायोइसियस प्लांट, एक लिंगस रई पादप, यानी वैसे पादप जिसमें एक लिंगी नर पुष्प हो या एक लिंगी मादा पुष्प हो, तो उसको क्या कहते हैं, एक लिंगस रई या एक लिंगी पादप या डायोइसियस प्लांट कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, डायोइसियस या डायोइसी प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। अब देखिए एक प्लांट है और उस पर कोई नर पुष्प है, फिर ये कोई दूसरा प्लांट है उस पर कोई मादा पुष्प है, तो प्लांट भी अलग अलग है तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकण का स्थानांतरण होगा, और प्लांट भी अलग अलग है तो इस कंडीशन में क्या होगा, डायोइसियस जो है ऑटोगैमी को भी रोकता है, यानी ऑटोगैमी होगा ही नहीं यहाँ पर, और गिटोनोगैमी भी नहीं होगा, क्योंकि गिटोनोगैमी होने के लिए दोनों प्लांट सेम होना चाहिए है ना। चलिए ये रहा, अगला कंसेप्ट है ये है, देखे थे हम लोग डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी डिनोट्स द इनएक्टिव स्टेज ऑफ
सीड, यानी जब सीड जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, अंकुरण नहीं किया कर सकता है, तो उसको डोरमेंसी कहा जाता है। तो कुछ सीड जो है बहुत दिनों तक डोरमेंट रह सकते हैं, जबकि कुछ सीड जो है बहुत कम समय तक ही डोरमेंट रहते हैं। तो उसी का है सीड ऑफ ल्यूपिन, ल्यूपिनस आर्कटिकस जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। इसका ल्यूपिन का जो सीड है ये 10,000 साल के डोरमेंसी के बाद उसमें क्या हुआ था, जर्मिनेशन हुआ था, अंकुरण हुआ था और उसमें फ्लावरिंग भी हुआ था। उसी प्रकार से सीड ऑफ डेट पाम, खजूर का ना फोनिक्स डैक्टिलिफेरा जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर 2000 ईयर ऑफ डोरमेंसी, 2100 साल के बाद इसमें क्या हुआ था, इसका सीड में अंकुरण हुआ था और फ्लावरिंग हुआ था। अगला है यहाँ पर फ्लेसी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्लेसी फ्रूट क्या होता है, जिसका पेरिकार्प हो, फल भित्ति क्या होता है सॉफ्ट होता है, उसको फ्लेसी फ्रूट कहते हैं। एग्जांपल है गुआभा, अमरूद, मैंगो, आम, ऑरेंज इत्यादि। अगला है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट क्या होता है, जिसका पेरिकार्प हार्ड होता है ना, जैसे मस्टर्ड है, काजू नट है, ग्राउंड नट है, जितने भी ड्राई फ्रूट है सब इसमें आते हैं। तो इतना ही तक रखते हैं आज, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।